Namaste dear students and welcome to live sandeepmanudhanay.org, the fantastic learning service created specially for knowledge seekers like you. प्यारे छात्रों, साथियों, प्रोफेशनल्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू लाइव sandeepmanudhanay.org। हम रोजाना सप्ताह में 4 से 5 बार ज्ञान की बातें करने के लिए इकट्ठा होंगे और आप लाइव हमें देखेंगे रात को अपने डिवाइसेस पर, दुनिया भर में कहीं भी आप हों। हमारी सबसे पहली सीरीज होगी ग्रेटेस्ट डिक्टेटर्स ऑफ हिस्ट्री। एक्साइटेड? विश्व के इतिहास के भीमकाय तानाशाह। हम उन तानाशाहों की बात करेंगे जिन्होंने इतिहास को अपने पद चिन्हों से एक पूरी तरह से पुनर्परिभाषित कर दिया। यह होगी हमारी सीरीज द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर्स ऑफ हिस्ट्री। द फर्स्ट ऑन आवर लिस्ट, हु एल्स, एनी गेसेस? हु एल्स बट द माइटी गेंगिस खान, अर्थात चंगेज खान। साथियों, चंगेज खान का नाम सुनते ही उसके दुश्मनों की रूह कांप जाती थी और मंगोलिया के एक छोटे से कस्बे से निकला हुआ वो लड़का कैसे विश्व का सम्राट बन बैठा, और इतिहास में उतना बड़ा सम्राट शायद आज तक कोई हुआ नहीं है, वो अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। सो दिस होल स्टोरी ऑफ हिज राइज एंड अल्टीमेट कोलैप्स ऑफ द मंगोल एम्पायर इज समथिंग अनबिलीवेबल। सो लेट्स स्टार्ट। The approach I'll follow is I'll go point by point and I hope that you enjoy the complete flow. You can make a notes also and we'll also show you some images and all to just round up the whole thing. तो ये बहुत अच्छा 15 मिनट में learning nugget आपके लिए बनेगा। Genghis Khan has been one of the most mysterious, violent and tolerant emperors ever. कितने मजे की बात है साथियों। When you talk about Genghis Khan or Genghis Khan, उसमें 3 खूबियां एक साथ थी। ही वॉज वेरी मिस्टीरियस, द होल स्टोरी इज वेरी मिस्टीरियस एंड दैट्स वाई इट्स अ स्टोरी दैट पीपल रेफर टू अगेन एंड अगेन। हिज स्टोरी इज वेरी वायलेंट एंड थर्ड, हिज स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ टॉलरेशन ऑल्सो। तीनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सबसे पहला है मिस्टीरियस, यानी कि रहस्यमयी कहानी। साथियों, his entire rise from a very small tribe, his entire lineage and the way he grew the empire, अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और आज भी लोग उसके बहुत से पहलुओं पर बड़ा विचार करने पर विवश हो जाते हैं। दूसरा, वायलेंट। अब इसमें तो जो ना कहूँ वही बेहतर है। अगर आप जोसेफ स्टालिन ने जितनों को मारा, एडोल्फ हिटलर ने जितनों को मारा और साथ में माओ जेडोंग भैया को भी जोड़ लीजिए, ये तीनों ने जितनों को मारा, उम्मीद तो ये है और अनुमान ये है, उम्मीद नहीं अनुमान, कि अकेले गेंगिस खान ने उससे कहीं ज़्यादा लोगों को अपने समय में मार डाला। बिकॉज हिज स्टाइल वेन एवर एनी वन वुड रेजिस्ट वॉज कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दो। ख्वारज़मिया के साथ क्या हुआ वो सबने देखा। एंड टॉलरेंट एम्परर, ये बहुत ही टॉलरेंट एम्परर था। ये जान के बहुत लोगों को झटका लगेगा। टॉलरेंट किस सेंस में? बिकॉज द मंगोल्स वर स्प्रेडिंग वेरी वेरी रैपिडली, सो नेचुरली They did not have a lot of skills of administration for example, तो वो जहाँ जहाँ जाके कब्जा करते थे वहाँ के लोगों को, अगर उन्होंने सबको मारा नहीं है तो कई जगह तो कुत्ते और बिल्लियों तक को नहीं छोड़ा मारने से, क्योंकि एक जगह इनके दामाद साहब की मृत्यु हो गई युद्ध में, तो उनकी बेटी ने खड़े रह के मेक श्योर कि सबको, जहाँ जहाँ ये सबको नहीं मारते थे वहाँ के लोगों को हायर कर लेते थे और अपने साथ ले जाते थे। जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हुए, आर्टिजन्स हुए, अकाउंटेंट्स हुए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए, उन सबको नौकरी पर रख लेते थे। और सबसे मजे की बात, चंगेज खान का धर्म क्या था? टेंग्रिज्म। वो तेंगरी धर्म, यानी मध्य एशियाई एक धर्म होता है जिसमें शैमनिज्म है, एनिमिज्म है, ये सारी चीज़ें, मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म सब कुछ है, लेकिन उसने कभी भी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, ताओइज्म हो, कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो वो एक तेंगरी था, ही वुड फॉलो टेंगरिज्म बट ही नेवर एक्टेड अगेंस्ट एनी अदर रिलीजन, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। वो आदमी इतना रिलीजियस टॉलरेंस लेके चल सकता था उस जैसे ऐतिहासिक हत्यारे के लिए। और दूसरी बात ये है, वो रेशियली भी बड़ा टॉलरेंट था। तो साथियों, ये 2-3 चीज़ें हमने देखी और मिलियंस वर मैसेकर्ड इन सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप। ही ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड एंटायर पर्शिया। पर्शिया यानी फारस, जो बहुत प्राचीन सभ्यता रही है साथियों। इस्लाम का वहाँ पर आक्रमण और उसका पूरा इस्लामीकरण हुआ। पहले जोरोस्ट्रियन साफ हुए और उसके बाद जब मंगोल्स ने उनको दोस्ती का पैगाम भेजा, ख्वारेजमिया जो पूरा वहाँ का एम्पायर था, 1219 से लेकर 1222 तक जो युद्ध हुआ, जिसमें मंगोल्स, युद्ध तो क्या हुआ, एक तरफा ही हुआ। जब मंगोलों ने आक्रमण 1219 में किया और 1222 में जब उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया ख्वारेजमिया का, राजा जलालुद्दीन भाग के भारत आया, वो अलग ही कहानी है। तब उन्होंने मुसलमान राज्यों के ऊपर आक्रमण की, अपनी जो पूरी एक स्ट्रीक थी उसको स्टार्ट किया. सो दिस एंटायर अटैक ऑन ख्वारेज़मिया व्हिच वाज द पर्शियन एम्पायर एंड अ मुस्लिम एम्पायर स्टार्टेड इन 2019. सो वी विल रिवर्ट टू दैट स्टोरी वेरी सून. At its peak, the Mongols were actually ruling practically entire Asia and Eastern Europe, except a few big portions. तो जब ये अपने शीर्ष पर थे तो वो कहाँ राज नहीं करते थे एशिया में. जापान छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, दक्षिण पूर्वी एशिया छोड़ दीजिए और एकदम वेस्टर्न यूरोप छोड़ दीजिए. अदरवाइज दे वर लिटरली द किंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड. और उतना बड़ा साम्राज्य शायद कभी और कोई ना उसके पहले और ना उसके बाद कोई भी बना पाया. और इजिप्ट में ममलूक्स वगैरह भी बचे रहे और भारत बचा रहा, नहीं तो यहाँ का इतिहास बहुत अलग होता साथियों. मंगोल जिन वॉर, ये चीन की भी कहानी बड़ी मज़ेदार है. आप मंचूरिया का रीजन देखेंगे या नदन चाइना का जो हम उत्तरी चीन कहते हैं, तो वहाँ पर मंगोलों ने जो जिन पर आक्रमण किया 1211 से 1234 तक पूरी तरह से उन्हें पराजित करके अपनी संपूर्ण सत्ता उन्होंने चीन में स्थापित की. सो द प्रेजेंट डे हिस्ट्री और द प्रेजेंट डे कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ चाइना विल डेफिनेटली कैरी अ वेरी वेरी लॉन्ग रेंज ऑफ इम्प्रिंट्स फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन्स अर्लियर. तो ये भाई साहब का जन्म हुआ था 1162 में एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 65 इन 1227. In these 65 years, a very large part of this till he was in his 40s were actually relative anonymity. वो सारा खेल तो 20-25 सालों में जो उन्होंने खेला. जन्म के समय 1162 में इनका नाम था तेमुजिन इनका नाम था. खान दरअसल वो मुसलमान खान शब्द नहीं है, that means the ruler. उस पर अभी आता हूँ. 1162 में तेमुजिन ही वॉज बॉर्न एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 65 ईयर्स इन 1227. और इस बीच में पूरे एम्पायर की स्थापना हुई. उसके बाद अपने चारों बेटों में उन्होंने उसको बांटा और उसके बाद वो आगे बढ़ता रहा 150 साल तक और बढ़ता रहा, जिसके बाद फाइनली उसका पतन हुआ. धीरे धीरे डिजोल्यूशन इनटू अदर आइडेंटिटीज होता चला गया, वो भी देखेंगे. बर्थ लेजेंड एक इनके जन्म से जुड़ी हुई दंत कथा चलती आ रही है दैट व्हेन ही वाज बॉर्न ही हैड अ क्लेंच्ड फिस्ट एंड अ ब्लड क्लॉट इन हिज हैंड. तो एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा होते समय एक बच्चा की मुट्ठी भींची हुई और उसके अंदर एक खून का थक्का हो, तो उस वक्त जो लोग वहाँ थे उन्होंने कहा कि दिस इज द हेवनली सिग्नल दैट ही इज डेस्टिन्ड टू बी एन एम्परर. इस तरह की कहानियाँ थी. समझ में आया साथियों आपको? और इनका जन्म कहाँ हुआ आपको चित्रों के साथ हम हर चीज़ दिखाते ही चल रहे हैं. तो इनका जन्म जो हुआ उस जगह का नाम देल्यून बोल्दोग दादाल खेंती. ये मंगोलिया में वर्तमान में जगह कहाँ आती है वो हम आपको चित्रों से दिखा रहे हैं. लेकिन मृत्यु के पश्चात इनको दफन कहाँ किया गया ये किसी को भी नहीं पता. ऐसा कहते हैं कि उनके अंतिम प्रोसेशन में जो जो सामने आता गया उसको काट डाला गया, मार डाला गया, ताकि किसी को ना पता चले कि वो कहाँ दफनाया हुआ है. बिकॉज गेंगिस खान हिमसेल्फ वॉन्टेड दैट नो वन शुड बी एबल टू डिस्कवर हिज फाइनल रेस्टिंग प्लेस. कई लोग कहते हैं नदी के नीचे उसको दफनाया गया एक्सेट्रा. इस तरह की अजीब और गरीब दंत कथाएँ चलती रहती हैं. बट फ्रेंकली इट्स अ ट्रूथ दैट नो वन रियली नोज वेयर ही इज बेरिड. तो वो तो उसमें सफल हो गया कि मैं परमानेंट पीस चाहता हूँ भैया. और दूसरे भी, फिर वो गिलगामेश हो या अतिला दहन हो, उनके साथ भी यही हुआ था साथियों. चंगेज़ यानी कि गेंगिस जो बोलते हैं उसके दो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं. एक तो लिमिटलेस लाइक एन ओशन, समुद्र की तरह अंतहीन एक अर्थ गेंगिस का ये बताया जाता है मंगोलियाई भाषा से जुड़ा हुआ, देखें. और दूसरा है राइट और ट्रू. और खान नेचुरली एज अ रूलर. अब इसमें अगर फैमिली ट्री की हम बात करें कि इनकी वंशावली ये आए कहाँ से और इनके नीचे का वंश कहाँ गया और मुगलों के साथ मंगोलों का क्या रिलेशन था. एक बेसिक बात समझ लीजिए दैट द मुगल्स एंड द मंगोल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. द मंगोल्स केम मच 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 अर्लियर एंड द मुगल्स केम मच लेटर. मुगलों के साथ इनका पहला रिश्ता बाबर के समय क्लेम किया जाता है. वन इज नॉट 100% सर्टन ऑफ दैट ऑल दो. तो एक एक करके तीनों वंशावली आपको हम दिखा रहे हैं. वेयर ही केम फ्रॉम, What happened after him, the four sons that is, चारों बच्चे उसके लड़के. और के तो बहुत सारे इश्यूज हुए, उस पर हम अभी आते हैं. जोची, चगताई, ओगेदाई, तोलुई ये चार उसके बेटे थे. जोची की लाइनेज को लेकर हमेशा झगड़ा रहा और ओगेदाई ने विद्रोह भी बाद में किया, जिसकी वजह से जोची गोल्डन होर्ड बना के हमेशा के लिए अलग चला गया और कुछ ही समय में मर भी गया. और 45-46 की उम्र में यानी अपने पिता की मृत्यु के कुछ महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई. और मुगल्स में बाबर अपनी मदर की साइड से कहते हैं कि इनके साथ रिलेटेड था. तो वो कहानी अलग ही चलती रही तिमुरिद डायनेस्टी की. उम्मीद करता हूँ ये आपको वंशावली देख के मज़ा आया. खान्स ट्रबल चाइल्डहुड इट एक्चुअली टॉट हिम मैनी मैनी बिटर लेसन. बचपन बहुत ही खराब बीता पिता की मृत्यु के बाद. और उसके बाद वो लिटरली भिखारी की स्थिति में कई वर्षों तक अपने परिवार को लेकर जीता रहा. वहाँ उसने बड़े बड़े सबक सीखे. और जो बड़े सबक उसने सीखे 5 बड़े लेसन्स, लीडरशिप लेसन्स हम उन्हें कह सकते हैं. द बिग 5 लीडरशिप लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ चंगेज़ खान. नंबर 1, यूनाइट द ट्राइब्स. सारे कबीलों को एक करते चलो. ये बहुत कठिन काम है और अगर नहीं किया होता तो मंगोलिया आज जैसा है, मंगोलिया वुडंट हैव बीन. इसीलिए आज के मंगोल उसको अपना फादर कहते हैं. सेकेंड, रिस्पेक्ट टैलेंट. यूल बी वेरी सरप्राइज टू हियर दैट. वो हमेशा प्रतिभा की इज्जत करता था, मेरिटोक्रेसी ला के रखी थी उसने. वो ये बोलता था कि मेरे यहाँ जनरल्स, मिलिट्री के जनरल जो लाखों को मारने का काम करेंगे या जीतने का काम करेंगे, वो केवल वही होंगे जो प्रतिभाशाली होंगे, ऐसा नहीं कि जो ब्लड से मेरे साथ रिलेटेड हैं. तीसरा, नो रेशियल एंड रिलीजियस फैनेटिसिज्म एट ऑल. वो तेंग्रिस था लेकिन उसने कभी भी नस्लवादी या धार्मिक अंधापन कभी नहीं दिखाया. कितनी बड़ी बात है, आज इसके लाले पड़े हुए लेकिन तब नहीं थे. फोर्थ, रिस्पेक्ट विमेन. वो महिलाओं की काफ़ी इज्जत करता था. दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी इन द होल स्टोरी. एंड फिफ्थ, लर्न फ्रॉम अदर्स. उसने अपनी जो भाषा थी वो वीगर भाषा ली थी. वीगर वही जो शिंजियांग प्रोविंस है चीन का आज. तो वीगर भाषा यानी कि लिपि उसने अपने लिए, मंगोलों के लिए इस्तेमाल कर ली. और मंगोल्स बेसिकली नोमैडिक ट्राइब्स हैं, आप जानते ही. उनके पास खुद का इस तरह की चीज़ें नहीं थी. सो वॉट एवर दे कुड टेक फ्रॉम हुमसोएवर दे हैव टेकन इट. समझ में आया आपको ये? तो ये बहुत मज़ेदार बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्किल में इतनी कमी होने के बावजूद जिन जिनको ये लोग जीतते गए उनको अपने साथ में जोड़ते चले गए. साथियों, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही मर्डर्ड हिज हाफ ब्रदर, क्योंकि उसके साथ बहुत झगड़ा था और वो अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश अब करने लगा था, डोमिनेशन की. वहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है और कंट्रोल को लेकर कहानी शुरू हुई. उसके बाद उसको एक दूसरी ट्राइब ने इम्प्रिजन कर लिया, वहाँ से बच के भाग निकला. धीरे धीरे इस तरह उसका नाम बनना शुरू हुआ और उसके बाद उसने बोर्ते नाम की लड़की से, जब ये खुद 16 साल का था, ही गॉट मैरिड विद बोर्ते. और वहाँ से इस कपल की कहानी शुरू होती है. चंगेज़ खान ने सैकड़ों सैकड़ों बार शादियाँ की. आज दुनिया में उपस्थित या मौजूद सारी आबादी में द स्पेकुलेशन इज दैट अराउंड 2 or 2.5% पीपल ओ द जेनेटिक लाइन इज स्ट्रेट टू चंगेज़ खान. इमेजिन. एंड इन एशिया मे बी द नंबर मे बी इवन मोर, 4, 5 or 6% इवन. लेकिन सारी जिंदगी उसने अगर महारानी किसी को बना के रखा तो वो केवल और केवल उसकी पहली रानी बोर्ते ही थी. साथियों, जब बोर्ते को एक राइवल ट्राइब मर्किट्स ने किडनैप किया, उसके 8, साढ़े 8 महीने के बाद बोर्ते को पहला बेटा हुआ जिसका नाम है जोची. तो नेचुरली राइट फ्रॉम, और तब वो कैप्टिविटी में थी, शी वॉज किडनैप. सो क्वेश्चंस अबाउट द पैटर्निटी ऑफ जोची वर रेज फ्रॉम डे वन. और कई लोगों ने, यहाँ तक कि चंगेज़ खान के तीसरे बेटे ने भी बाद में ये बार बार सवाल उठाया कि जोची का पिता कौन, ये किसे पता. आप सोचिए, चंगेज़ खान का बड़ा बेटा. बट चंगेज़ खान का ये दिल मानना पड़ेगा कि न केवल सारी जिंदगी उसने बोर्ते को इज्जत दी, अपनी पत्नी को, जोची को ही अपना बड़ा बेटा हमेशा माना. सो इस आदमी की पर्सनालिटी में दो बहुत म्यूचुअली कन्फ्लिक्टिंग ट्रेड्स एक साथ चल रहे हैं. एक तरफ बहुत ही कठोर और हत्यारा, और दूसरी तरफ इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड. सो विथ ऑल दीज ग्रेट डिक्टेटर्स, भीम का तानाशाहों के साथ हमें इनके व्यक्तित्व में दोनों चीज़ें एक साथ कई बार दिखाई दे जाती है साथियों. तो इस तरह से ये पैटर्निटी का इशू था. और 4 इसके पुत्र थे, जैसे मैंने आपसे कहा, जोची, चागताई, ओगेदाई. चागताई मेंटली ऐसा कहते हैं कि बड़ा टेम्परामेंटल था और बहुत गुस्सा करता था. ओगेदाई बड़ा स्टेबल था और अंततः वही उसका सक्सेसर भी बना. और ओगेदाई को पूरा का पूरा इसको सत्ता दिया गया, हालांकि उसने मरने से पहले पूरा बंटवारा अलग अलग खानेट्स में कर दिया था. और तोलुई था, ये जो तोलुई था वहीं से निकला हुलागु खान, जिसने इल खानेत बनाया था जो पहले ख्वाराजमी हुआ करता था. साथियों, जोची जब 1926 की क्या बात कर रहा हूँ, 1226 यानी 13वीं सदी में फाइनली वो अपने पिता से अलग हुआ, क्योंकि जब उन्होंने मीटिंग बुलाई सब हुआ और उसकी जोची की लाइनेज के ऊपर सवाल उठे तो जोची अलग हो गया. उसने कहा मैं तो अपना अलग से अब कर लूँगा. और उसके बाद वो कभी अपने पिता से मिला नहीं और 45-46 की उम्र में ही उसकी मृत्यु भी हो गई. जोची का जो बेटा था बर्के, वो पहला मुस्लिम कन्वर्ट बना. ये बड़ा महत्वपूर्ण है. तो जो गोल्डन होर्ड जो जगह थी, जो सारी जोची के हाथ में थी, उसका बेटा बर्के वो पहला इस्लाम में परिवर्तित होने वाला मंगोल बना था. और वहाँ से अभी तक तो ये सारे मुसलमान साम्राज्यों को जीतते आ रहे थे, कोई भी इनके आगे नहीं टिक पाया था. यहाँ से इनका इंटरमिंगलिंग और पूरा मिक्सिंग विद द मुस्लिम्स एक्चुअली स्टार्टेड. तो वो डिजॉल्व होते होते फिर पूरी आइडेंटिटी बदलती चली गई. गेंगिस यूनाइटेड ऑल द मोगल्स एंड ही कमांडेड ग्रेट लॉयल्टी ईस्ट. और 1206 में इन्हें खान की उपाधि दी गई थी साथियों. तो जैसा आप चित्र में देख ही रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर मैं आपको इलस्ट्रेशंस भी जो हमने इंटरनेट से, विकीपीडिया से लिए हैं, आपको दिखाते चल रहा हूँ ताकि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बने. इंजॉय कर रहे हैं सेशन को, आई होप सो. अब मिलिट्री टैक्टिक्स का तो क्या कहना. ही वुड एम्प्लॉय वेरी ब्रूटल एंड वेरी कनिंग टैक्टिक्स. जासूसों का बहुत बड़ा जाल, सब तरफ जासूस फैले हुए हैं. किसी पर भी हमला करने के पहले यू ट्राई टू इंसाइट अ रेबेलियन, अ सिविल वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन. छोटी सी टुकड़ी को भेज के लोगों को भड़काना 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 ताकि अंदर से सब कुछ कमज़ोर होता चला जाए. अजीबो गरीब मिलिट्री बैटलफील्ड के ऊपर अटैक और रिट्रीट की टैक्टिक्स, उसके अलावा छोटे घोड़े बड़े मजबूत घोड़े, उसके अलावा एक साथ धावा बोलना, ब्लिट्स क्रीक जो जैपनीज़ ने बाद में कहा. हालांकि कैमे कैसे 2 बार जैपनीज़ को साउथ कोरिया से इनके मंगोल्स के अटैक से बचा चुका है. और इस तरह के मरे हुए शरीरों को अपने सैनिकों के सामने रखना ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले, घायल या बीमार शरीरों को स्लिंग शॉट से गुलेल से उस तरफ फेंक देना ताकि बीमारियां फैल जाएं. तो वो तो इतिहास में इस तरह की कहानियां भरी पड़ी हुई हैं मंगोल्स की कि पढ़ के रूह कांप जाए. बट दैट्स हाउ दे एक्चुअली क्रिएटेड एन एम्पायर. शायद एम्पायर्स इसके बिना साथियों क्रिएट होते भी नहीं हैं. ही ख्वारेज़मियन की कहानी सबसे दर्दनाक है. तो चंगेज़ खान ने ख्वारेज़मियन एम्पायर जो पर्शियन एम्पायर था, जलालुद्दीन जो था वहाँ का राजा, उसको संदेश ही भेजा कि मैं उगते सूरज की भूमियों का स्वामी हूँ, तुम डूबते सूरज की भूमियों के स्वामी हो, आओ दोस्त बन जाएं. उन लोगों ने उसको शायद उतनी इज्जत नहीं दी. एंड दे एक्चुअली सर कलम करो ऑफ द मैसेंजर दैट केम, द मुस्लिम मैसेंजर एंड टू वर मंगोल्स. तो जब इसे पता चला चंगेज़ खान को कि मेरे लोगों का इन्होंने गर्दन साफ करके भेज दिया, दोस्ती का पैगाम ठुकरा दिया, ही डिसाइडेड He will uproot the empire, and uproot he did. उसने न केवल सारे के सारे शहर पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिए, लगभग सबको पूरी तरह मार डाला. राजधानी के ऊपर से एक नदी का रुख मोड़ के नदी बहा दी कि इसका सबूत इतिहास में न बचे कि ऐसा कोई एम्पायर था. साथियों उसके बाद ये भाई साहब जो थे जलालुद्दीन वहाँ से भागे ख्वारेज़मियन से और सिंधु नदी पार करके भारत में घुसने लगे. और ये मंगोल्स पीछे खड़े होकर देख रहे थे कि ये पागल हो गया राजा, इतनी उफान भरी सिंधु नदी में पार करने की कोशिश, डूब जाएगा. लेकिन वो पार करके भारत आ गया. दिल्ली सल्तनत थी भारत में तब, मुसलमान सल्तनत दिल्ली सल्तनत, उन्होंने उसको सपोर्ट करने से मना कर दिया. साथियों ये बहुत मज़ेदार है. आपने जैसा भी अलग अलग चित्रों में देखा, पूरा मंगोल एम्पायर का चित्र देखेंगे, हिमालय के आगे नहीं आए और सिंधु नदी के आगे नहीं आए. सोचिए अगर आए होते, आज भारत की संस्कृति में बहुत अलग अलग दूसरे रंग भी शायद होते. शायद उनको हमारे राजा आगे आने नहीं देते. दीज आर ऑल रियल्स ऑफ हाइपोथेसिस, उसे हम छोड़ें. तो कंप्लीट करते हैं आज का हमारा नगेट. आई होप आपको बहुत मज़ा आया. उन्होंने चीन शिया और जिन को पूरी तरह से जो अलायंस में आ गए थे तबाह कर दिया. एंड ही किल्ड द एंटायर रॉयल फैमिलीज ऑल्सो इन 1226, जहाँ से एक दंत कथा निकली कि शायद उसी की एक प्रिंसेस जिससे उसने शादी की थी, उसने इसको कास्ट्रेट कर दिया जिसकी मृत्यु हुई. इसकी मृत्यु के एग्जैक्ट कारण किसी को भी नहीं पता है. दूसरे ये कहते हैं कि घोड़े से गिर के मारा, कोई कहता तीर लगने से, पता नहीं एक्चुअली रीजन नॉट नोन. नाइदर इज नोन कि उसकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस कहाँ. तो इतिहास के सबसे बड़े भीमकाय तानाशाह के बारे में न तो मृत्यु का कारण पता और न ही इनकी मौत का. ऐसा बहुत सारे तानाशाहों के साथ हुआ है ऐतिहासिक जो 300-400 साल से पहले, कि इनकी मृत्यु के कारण एग्जैक्टली पता नहीं चलते हैं, कवर अप हो जाता है, इतिहास की धूल कह लीजिए. तो चंगेज़ खान इज़ द फाउंडर ऑफ द मंगोलियन आइडेंटिटी माय फ्रेंड्स, जो मंगोल की पूरी पहचान है आज. एंड परहैप्स ही किल्ड द मोस्ट इन हिस्ट्री एवर, ये ध्यान रखिएगा. उसने एशिया का पूरा चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया इसे एक आदमी ने. कमाल की बात है, तेमुजिन नाम का वो लड़का 16 साल की उम्र में बोर्ती से शादी करता और 65 साल की उम्र में 1227 से मरता. तब तक इतिहास को वो पूरी तरह से बदल डालता है. प्री मंगोल पोस्ट मंगोल सारे चित्र आप देखें और समझें. साथियों उम्मीद करता हूं आज का आपको हमारा ग्रेट डिक्टेटर सीरीज में चंगेज़ खान की पूरी कहानी पसंद आई. हम इसी तरह अभी 4 और डिक्टेटर्स के बारे में आपसे बात करेंगे. ये सारे के सारे खूनी हत्यारे रहे अगर सामान्य कानून की भाषा में हम बात करें तो. लेकिन इतिहास इस तरह के डिक्टेटर्स को बहुत अलग ढंग से देखता है. दे आर सीन एज अचीवर्स, दे आर सीन एज दोज हु क्रिएटेड एम्पायर्स. बट देन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ एवरी एम्पायर इज नथिंग बट कोलैप्स. नमस्ते, जय हिंद.